तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों, जैसा कि आपने वो फोन मेरे ने देख लिया है, तो आज मैं आपको उसी फोन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को देखिए, वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा, वीडियो के जरिए आप सब कुछ सीख पाओगे। चलिए दोस्तों, फटाफट टाइम नहीं लगाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इधर दोस्तों सबसे पहले आपको करना है उस फोन को यूज करने के लिए, सबसे पहले आपको यूनिकोड पैड जो है आपको उस एप्लीकेशन को जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो कुछ इस तरह का इसका लुक देखने को मिलता है। तो अभी दोस्तों आपको इधर पे करना है, आपको इधर पे एक छोटा सा डॉट देखने को मिलता है, उस डॉट पे क्लिक करके आपको जो है इधर पे एक सिलेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको उस ऑप्शन क्लिक करना है, उसके बाद आपको इधर पे स्टोरेज के ऑप्शन में चले जाना है। दोस्तों स्टोरेज के ऑप्शन में जाने के बाद आपको इधर पे आपको उस फोल्डर में चले जाना है जिस फोल्डर में आपने फोन को रखा हुआ है। चलिए उस फोल्डर में चले जाता हूँ, मैं इधर पे डाउनलोड के ऑप्शन में आता हूँ और इधर पे वो फोन कहाँ पे इधर पे चलिए देख लेते हैं। उस फोन का नाम था टाइटल फोन करके, इधर पे दोस्तों ये फोन आ चुका है। और दोस्तों इस फोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लेकिन उसमें जो है पासवर्ड लगा हुआ है, आप उसके लिए वीडियो देखिए, आपको वीडियो में पासवर्ड बताया जाएगा। इस फोन को चलिए सिलेक्ट करता हूँ मैं, कुछ इस तरीके का देख सकते हो फोन है। और इधर पे जो मैंने आपको थंबनेल लिख के दिखाया था, चलिए मैं वही वर्ड इधर पे लिख लेता हूँ। इधर पे याद करके लिखा था, तो इधर पे मैंने या लिखा, उसके बाद लास्ट वाला वर्ड चलिए इधर से मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे है, याद करके था। तो इधर पे लास्ट वाला वर्ड जो है, लास्ट वाला वर्ड इधर पे ये रहा दोस्तों, इधर पे ये रहा दोस्तों। एक मिनट इसको कट करते हैं, एक ये वाला है। तो दोस्तों आपको लिखने के बाद ऐसा कुछ लिखने के बाद आपको करना है, आपको इधर पे कॉपी का ऑप्शन मिलता है, आपको उस कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको जो पिक्सल लगे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह इसका लुक देखने को मिलता है। अभी आपको करने का, आपको उधर जो आपने कॉपी किया हुआ है आपको उस पर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको हटाना है। हटाने के बाद दोस्तों आपको उधर जो आपने कॉपी किया उसको इधर पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको डन करना है। उसके बाद एक मिनट दोस्तों इसमें जो है आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए ताकि आपको जो स्टाइल है आपको देखने को मिले अच्छी तरीके से। अभी दोस्तों आपको करना है, आपको इधर पे जो फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको माई फॉन्ट के ऑप्शन पे जाना है। इसमें दोस्तों आपको फॉन्ट को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है मैंने वीडियो बना दिया, जाके देख सकते हो। अभी चलिए उस फॉन्ट का जो है नाम सर्च कर लेता हूँ मैं, टाइटल करके नाम था, टाइटल फॉन्ट मैंने लिखा, नेक्स्ट किया इधर पे और इधर दोस्तों वो फॉन्ट आ चुका है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। इधर देखो कुछ इस तरह का फॉन्ट है और इधर मुझे थोड़ा और स्पेस देना पड़ेगा फॉन्ट को अच्छी तरीके से देखने के लिए। चलिए थोड़ा सा और स्पेस देता हूँ मैं, उस पर डन करता हूँ। एक मिनट वापस से करना पड़ेगा। इधर पे चलिए स्पेस देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद डन करता हूँ मैं। उसके बाद इधर पे जो ओके कर देता हूँ। इधर पे देखो कुछ इस तरह का जो फॉन्ट देखने को मिलता है। और अभी दोस्तों आपको करना क्या है, अभी मतलब कि आप जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था वो सेम टू सेम उस तरह बनाने के लिए आपको एक बैकग्राउंड की मदद चाहिए जिस पे आपको यूज करना है। इधर पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इधर पे आपको चले जाना टेक्सचर के ऑप्शन में, उसके बाद इधर पे एक गैलरी का ऑप्शन देखने मिलता है, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो इमेज है इधर पे देखते हो टेक्सचर वाला, तो यही मैं दोस्तों मैंने ये इमेज यूज किया हुआ है अपने फॉन्ट को, यानी कि उस तरह का फॉन्ट बनाने के लिए। इधर पे इसको सिलेक्ट किया इमेज को, उसके बाद इधर पे इनेबल कर देना है इसको। इनेबल करने के बाद ओके कर देना दोस्तों। ओके करने के बाद आपको इधर पे जो है एक स्ट्रोक का ऑप्शन दिख मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको इनेबल करना है। उसके बाद आपको स्ट्रोक जो है 5 के आसपास या 6 के आसपास अपने हिसाब से डाल देना है इसमें। डालने के बाद दोस्तों आपको इधर पे 3D का एक ऑप्शन दिख मिलता है, आपको उस ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको इधर पे जो है इधर पे आपको इसको सेटअप कर लेना है, जैसा मेरा तो पिक्सलेट हो रहा है। फिर इधर पे कुछ देगा आपको, इधर पे ओब्लिक्यू का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिप्थ को अपने हिसाब से रहना है, जैसा आपको डिप्थ चाहिए वैसा रहने। तो उसके बाद आपको कलर के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो भी कलर चाहिए ले लेना है, आपको इधर मैं ब्लू कलर डाल देता हूँ। फिर डालने के बाद दोस्तों आपको डार्केन जो है पूरा कम कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको स्ट्रोक जो है एक्सक्लूड स्ट्रोक का जो ऑप्शन है आपको उसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों आपको ओब्लिक एंगल है उसको आपको जैसा जिस एंगल में चाहिए आपको फोन, आपको उस एंगल में कुछ इस तरीके से कर देना है दोस्तों। उसके बाद जो लाइट एंगल है इसको भी आपको जैसा लाइटिंग चाहिए 3D में आपको वैसा लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हो तो अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आपको इधर पे जो कुछ भी चाहिए आपको शेडो इंटेंसिटी जैसा भी आपको जो कुछ ऑप्शन चाहिए आप वो भी ऑप्शन अपने हिसाब से दे सकते हो दोस्तों। तो अभी आपको जो फॉन्ट है बिल्कुल अभी लगभग तो बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस फोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा डाउनलोडिंग। और ये रहा पासवर्ड दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो जाइए आप इस फोन को डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए अपने मोबाइल फोन में। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।